हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश प्रीवियसर पेपर का जो नया पार्ट उसमें लेकर आए हैं, उसमें आपका बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है एक्टिव और पैसिव वॉइस। और ये पूरा का पूरा जो सेशन है, ये पूरा सिर्फ एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। और इसमें हम आपको रूल्स भी बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट रूल्स बताएंगे जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस को आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, यानी एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिना देर करे, और अगर आपको लगता है कि आप इसको पूरा अच्छे से कर सकते हो, आप इसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो टिक कर सकते हो, तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो बिना देर करे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम 10 क्वेश्चन का पूरा सेट लेकर आए हैं आपके पास में। और इन 10 क्वेश्चन में हमने वो क्वेश्चन कंपाइल करें जो एक के बाद एक जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, जो एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने के रूल्स भी बताता रहूँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ। यू शुड हैव पास द मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको इसको कन्वर्ट करना है। नीचे आपको जो है पैसिव वॉइस दे रखी है, ये है द मेडिकल एग्जामिनेशन शुड हैव बीन पास्ड बाय यू, फर्स्ट आंसर है आपका। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है, द मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी पास्ड बाय यू। थर्ड दे रखा है, द मेडिकल एग्जामिनेशन कुड बी पास्ड बाय यू, द मेडिकल एग्जामिनेशन कुड हैव बीन पास्ड बाय यू। सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता देता हूँ। आई होप आपने अभी तक इसके जो आंसर है वो सोच लिया होगा। यू शुड हैव पास्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले शुड को तो आप शुड ही रखते हो, आप इसको वुड भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं, लेकिन वुड का तो ऑप्शन कोई है नहीं। तो शुड को तो शुड रखते हो, और जहाँ पे भी हैव दिख रहा है उसको आप हैव बीन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, और ये पूरा रूल के हिसाब से ही है, ठीक है। तो शुड को शुड हैव बीन में आप कन्वर्ट करते हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हो। तो यू शुड हैव, तो शुड हैव बीन सबसे पहले आप देख लीजिए, द मेडिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले, और आपको ये भी बता देता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं आप। द मेडिकल एग्जामिनेशन शुड हैव बीन पास्ड बाय यू, इसमें दिख रहा है आपको। दूसरा देख लेते हैं, इसमें शुड बी है, तो आपको ये नहीं करना, कुड बी नहीं, कुड हैव बीन बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको, ही हैड कमिटेड द क्राइम आउट ऑफ डेस्परेशन एंड अ कम्प्लीट लैक ऑफ जजमेंट। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, द क्राइम आउट ऑफ डेस्परेशन, डेस्परेशन एंड अ कम्प्लीट लैक ऑफ जजमेंट वॉज कमिटेड बाई हिम, द क्राइम आउट ऑफ डेस्परेशन एंड अ लैक ऑफ जजमेंट हैड हैड बीन कमिटेड बाई हिम, द क्राइम आउट ऑफ डेस्परेशन एंड अ कम्प्लीट लैक ऑफ जजमेंट हैड बीन कमिटेड बाई हिम, द क्राइम आउट ऑफ डेस्परेशन एंड अ कम्प्लीट लैक ऑफ जजमेंट बीन कमिटेड बाई हिम। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, सबसे पहले तो इसको कट कर देते हैं। और इसमें चार ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, आपको दे रखा हैड, मैंने आपको बताया था हैव को हैव बीन में कन्वर्ट करते हैं, तो हैड को भी आप हैड बीन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं हैड बीन वाला ऑप्शन कितने हैं, यहाँ पे हैड हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन, द क्राइम आउट ऑफ डेस्परेशन एंड अ कम्प्लीट जजमेंट लैक ऑफ जजमेंट हैड हैड बीन कमिटेड बाय हिम, जो कि गलत है ग्रामेटिकली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिड दे पे द जूनियर डॉक्टर्स देयर सैलरी ऑन टाइम, डिड है इसका मतलब ये है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो पास्ट टेंस में डिड को आप वाज या वर में कन्वर्ट करते हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसको वर्ब की फॉर्म उसकी चेंज कर दोगे, यानी पास्ट टेंस के ही हिसाब से। चलिए देखते हैं, वर दी जूनियर डॉक्टर्स बीइंग पेड देयर सैलरी ऑन टाइम, वर दी जूनियर डॉक्टर्स पेड देयर सैलरीज ऑन टाइम, वाज दी जूनियर जो कि बिल्कुल गलत है, वाज यूज़ नहीं हो सकता, हैड भी यूज़ नहीं हो सकता, तो इन दोनों ऑप्शन को हम कट कर रहे हैं। तो वर दी जूनियर डॉक्टर्स बीइंग पेड देयर सैलरी ऑन टाइम, या
वर द जूनियर डॉक्टर्स पेड देयर सैलरी ऑन टाइम, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पुट इट डाउन, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो क्या होगा? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लेट्स पुट इट डाउन नाउ, लेट इट पुट बी डाउन नाउ, लेट इट बी पुट डाउन नाउ, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट इट डाउन। तो पुट इट डाउन एक तरह की रिक्वेस्ट नहीं है, पहली बात तो हम समझ लेते हैं। तो रिक्वेस्ट नहीं है तो ये वाला पार्ट तो हो गया कैंसिल। अब इन तीनों में से ही एक इसका आंसर होगा, लेट्स पुट इट डाउन नाउ, लेट इट पुट बी डाउन, जो कि बिल्कुल ही गलत लग रहा है सुनने में, लेट इट बी पुट डाउन नाउ। तो ऑप्शन नंबर सी अगर हम इसकी बात करें, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। डिड यू कैच द बस दिस मॉर्निंग? तो दोबारा से डिड है तो आपको पता है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज या वर में। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं खुद ही कैंसिल कर देता हूँ, आपको तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, इन तीनों में से कोई एक आंसर है। वाज दिस मॉर्निंग बस कॉट बाय यू, वाज द बस दिस मॉर्निंग कॉट बाय यू, वाज द बस कैच बाय यू दिस मॉर्निंग। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच की कैच नहीं होती, होती है कॉट। तो कॉट फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी आपका हम कैंसिल कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाज दिस मॉर्निंग बस कॉट बाय यू, वाज दी बस दिस मॉर्निंग कॉट बाय यू, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अगर इसकी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वाज दी बस दिस मॉर्निंग कॉट बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। आई हैव अ फीलिंग दैट कीपिंग अ सीक्रेट इज बींग डन बाई यू, आई हैव अ फीलिंग दैट अ सीक्रेट इज बींग कैप्ट बाई यू, फीलिंग हैज़ बीन हैड बाई मी दैट अ सीक्रेट वॉज कैप्ट बाई यू। लास्ट ऑप्शन दे रखा है, आई माई सेल्फ हैड अ फीलिंग दैट अ सीक्रेट हैड बीन कैप्ट बाई यू। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, हैव है ठीक है, लेकिन ये हैव अ फीलिंग वाला हैव है, ये हम वर्ब की फॉर्म वाला हैव नहीं है। सबसे पहले हैव अ फीलिंग का मतलब होता है कि मेरे को एक फीलिंग है कि तुमने एक सीक्रेट रख रखा है, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत करना, हैव अ कप ऑफ टी ठीक है ये अलग चीज़ है, ये एक सेंटेंस है, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, और आई हैव अ कप ये अलग चीज़ है ठीक है, आई हैव अ कप और प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, तो दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लैंग्वेज में समझिए, हैव बीन हैज़ बीन इस तरीके से ठीक है। तो आपने आई होप आपने टेंस तो पढ़े ही होंगे, उस सब में आपका डिफरेंस का पता लग जाता है। तो परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये टेंस जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस है ठीक है। आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट, तो जब भी परफेक्ट की जगह पे कॉन्टीन्यूअस टेंस आ जाता है इस तरीके से, यानी ing फॉर्म आ जाती है वर्ब की, तो आप इसको बीइंग में कन्वर्ट करते हो सबसे पहले तो, और वर्ब की ing फॉर्म के हिसाब से ही कन्वर्ट करते हो। तो इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका, यानी हैड बीन नहीं आएगा या हैज़ बीन भी नहीं आएगा। तो बचा क्या है, ऑप्शन ए या बी। आई हैव अ फीलिंग दैट अ कीपरेट सीक्रेट दैट कीपिंग ऑफ अ सीक्रेट इज़ बीइंग डन बाय यू, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। रॉकी वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर, वाज सिंगिंग आ गया दोबारा से कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो इसका भी बींग फॉलो होगा ठीक है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बींग संग बाय रॉकी फॉर हिज मदर, सुनने में ठीक लग रहा है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज सेंग बाय रॉकी फॉर हिज मदर, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज संग बाय रॉकी फॉर हिज मदर, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज संग फॉर हिज मदर बाय रॉकी। तो हम इसकी बात करें तो खाली ऑप्शन नंबर ए ही है जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी रूल फॉलो कर रहा है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
आई बिगेन माई एफर्ट्स टू इंक्वायर इन टू द ऑपरेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन द एरिया। इसमें भी चार ऑप्शन दे रखे हैं। माई एफर्ट्स फॉर बिगन बाई मी टू इंक्वायर द ऑपरेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन द एरिया। माई एफर्ट्स फॉर बिगेन बाई मी टू इंक्वायर इन टू द ऑपरेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन द एरिया। माई एफर्ट्स टू इंक्वायर इन टू द ऑपरेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन द एरिया वर बिगेन बाई मी। माई एफर्ट्स फॉर बाई मी व बिगेन टू इंक्वायर द इन टू द ऑपरेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन द एरिया। तो अगर इसकी हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। डिड एनी वन मिस द फर्स्ट लेक्चर। डिड हो रखा है, फिर दोबारा से हैड हैड कैंसिल कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी में से इसका करेक्ट आंसर होगा। वाज द फर्स्ट लेक्चर मिस्ड बाय एनीवन? वाज द फर्स्ट लेक्चर मिसिंग बाय एनीवन? तो हम इसकी बात करते हैं, ये वाला आंसर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ कहीं नहीं हुआ है, तो नीचे भी ऑप्शन में, इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है इसलिए हमने गलत करा है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू कस्टमर्स। कंसिडरेबल एफर्ट्स आर मेड बाई कार मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू कस्टमर्स। कंसिडरेबल एफर्ट्स आर बींग मेड by car manufacturers to gain new customers. Considerable efforts have been made by car manufacturer to gain new customers. Considerable efforts were made by the car manufacturers to gain new customers. सबसे पहले तो making का use हो रखा है, तो फिर ing form है, तो इसका मतलब being तो use होगा, ठीक है? तो being सबसे पहले या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम इसकी बात करें करेक्ट आंसर है इसका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको काफ़ी रूल्स हम बताए हैं जैसे, और इसके जो जो पुराने रूल्स हैं मैंने इसकी एक और एक्टिव पैसिव की वीडियो इसकी डाली है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।